मूविंग ऑन फ्रॉम मरीचासना ए अब हम देखेंगे मरीचासना बी. मरीचासना बी एक एसिमेट्रिकल सीटेड फॉरवर्ड फोल्ड है जो कि अगेन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स आसना है. सो एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी. मेक श्योर कि आपकी पूरी की पूरी बॉडी वार्म्ड अप है बिफोर यू प्रैक्टिस दिस आसना. एंड दूसरा, अगर आपको किसी भी तरह का पेन होता है या किसी भी तरह का डिसकम्फर्ट इनकाउंटर आप करते हैं इस आसना को प्रैक्टिस करते समय, तो प्लीज़ इसको इमिजिएटली डिसकंटिन्यू कर दीजिए और आसना से एकदम बाहर आ जाएँ. दूसरा सिग्निफिकेंट थिंग टू नोट इज़ कि अगर आपको किसी भी तरह का डिसकम्फर्ट है अपने नीज़ में, अपने लोअर बैक में, SI जॉइंट्स में और इवन इन योर थाइज, इन योर शोल्डर्स, डू नॉट प्रैक्टिस दिस आसना. सो लेट्स सी हाउ वी गेट इनटू द पोस्चर ऑफ मरीचासना बी. स्टार्टिंग ऑफ वंस अगेन नाइस टॉल दंडासना. और एज आई सेड कि इस आसना में बहुत तरह के रोटेशंस आप इनकाउंटर करते हैं, स्पेशली जब हम अपनी लेफ्ट लेग को अपने थाई बोन से एक्सटर्नली रोटेट करते हुए अपने दूसरे लेग के थाई बोन के ऊपर प्लेस करते हैं इन हाफ लोटस पोजिशन. और हम पूरा का पूरा जो ये रेंज ऑफ मोशन है इसमें हम एक चीज़ इनकाउंटर करते हैं कि हमारे हिप्स कितने ओपन हो रहे हैं फ्रॉम द हिप सॉकेट, नीज आर टोटली वर्किंग एक्टिवेटेड, और हमारा जो एंकल है उसको हमने दूसरे थाई बोन के ऊपर प्लेस किया है जो कि एक्चुअली सारा काम करेगा इंटरनली. व्हेन वी ब्रिंग दिस नी इन अ फोल्डेड पोजिशन, तो ये हील जो है, हील के जो पॉइंट्स हैं, दे विल बी पुटिंग अ ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन आर एब्डोमिनल ग्लैंड्स एंड डूइंग मोस्ट ऑफ द प्योरिफिकेशन वर्क. आप इस लेग को इस तरह से नी को फोल्ड करते हुए अपने पेल्विक बोन्स, अपने सिट बोन्स के पास लेकर आएंगे एंड ट्राई एंड प्लेस अपनी इस हील को वेरी क्लोज टू योर सिट बोन, एज क्लोज टू द सिट बोन्स एज पॉसिबल. एंड थोड़ा सा अपने हील को आप आउटवर्ड की तरफ फेसिंग करेंगे. एंड एज आई सेड, अगर आप बिगिनर हैं तो अपने नी को ऐसे सस्पेंडेड भी रख सकते हैं एंड अपने पूरे स्पाइन को लेंथन करते हुए फ्रॉम दी सेंट्रल एक्सिस टिल्ट योर पेल्विक फॉरवर्ड. एंड वंस अगेन आप अपने शोल्डर का मूवमेंट इस समय नोट करें, अपने स्कैपुला को ऐसे ड्रॉप करते हुए शोल्डर गर्डल को नाइसली इंटरनली रोटेट करते हुए अपने हैंड को आप इस तरह से अपने रिस्ट को क्लास्प करें. एंड नाउ इनहेल, एक बड़ा लंबा गहरा सांस लेके आप इनहेल करते हुए अपने पूरे चेस्ट को, हार्ट को ब्रॉडन करते हुए फ्लोर की तरफ लाएं एंड प्लेस योर फोरहेड ऑन द ग्राउंड लाइक दिस. नाउ इफ यू आर अ बिगिनर, आप सिर्फ अगर यहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ तक आ सकते हैं टिल वेर एवर योर बॉडी अलाउज, जस्ट स्टे देयर एंड ब्रीद कॉन्शियसली. इकोनॉमस स्लो, वेरी स्लो रिदमिक ब्रीदिंग. And at this point, I really feel and I know that आपके जो abdominal glands हैं उसमें एक तरह की fire होगी. Your lungs are really feeling the pressure, so you'll be thinking that how am I supposed to breathe into the posture? But आप धीरे धीरे इसमें slow rhythmic breathing को practice करें and that is the right way to reap the maximum benefits of any twisted asana. एंड यही एक तरीका है अपनी ब्रीदिंग को कॉन्शियसली प्रैक्टिस करने से जो मैक्सिमम बेनिफिट्स होते हैं किसी भी ट्विस्टेड आसना के, उनको रीप करने का. वंस अगेन प्लेसिंग माई हेड फर्मली ऑन द ग्राउंड एंड ब्रीदिंग कॉन्शियसली, स्टेइंग इन दिस पॉस्चर फॉर 4 to 5 ब्रेथ्स, ब्रिंग द फ्रेश ऑक्सीजन डीप इन टू योर एब्डोमिनल ग्लैंड्स and exhale out the breath nice and steady. And to come out of the posture, apni puri pelvic ko is tarah se upar laein, yahan par exhale karein, unlock your hands first, bring the leg which is folded into half lotus in front of you, the other leg goes in front of you, aur dheere se apne center pe is tarah se return kare. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और योगा तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें. नमस्ते. YouTube पर योगा तक को सब्सक्राइब करें.